अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का सीन ये है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहुत सारी बारिशें हुई हैं, तो मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया रावल डैम जाने का। तो स्टे ट्यून, आज आपको दिखाते हैं कि रावल डैम की कंडीशन क्या है। व्यूअर्स, ये हमारे दोस्त, इन भाई का नाम है सैफ। सैफ, क्या हाल है। इसका नाम है उमर। उमर भाई, कैसे हैं। डर गए। और व्यूवर, ये हमारे हैं कैमरामैन अब्दुल्ला, क्या हाल है। मैं ठीक हूँ। ये क्या है। थी हमारी टीम व्यूवर्स, तो निकलते हैं डैम की तरफ। हाँ जी, रेडी हो। नहीं। अच्छा खासा एक टेम्पो में जा रहे थे, इस बंदे का पेट्रोल खत्म हो गया। आहा। तो व्यूवर्स, पेट्रोल डल गया, निकलते हैं डैम की तरफ। बहुत देर हो गई है, स्टे ट्यून, रास्ते में बहुत फन करेंगे। पहुंचने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे व्यूवर्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये रावल डैम बेसिकली रावल लेक डैम कहलाता है। इसकी वजह ये है कि ये एक रावल लेक के साथ जुड़ा हुआ है। रावल लेक को हम रावल झील के नाम से भी जानते हैं। इस लेक के अंदर कोरंग रिवर और मार्गला हिल से आने वाला पानी स्टोर किया जाता है, और ये पानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए इन यूज़ होता है। इसके अलावा रावल डैम की रैंकिंग जो है पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे है, और इस डैम की हाइट तकरीबन 40.7 मीटर है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि रावल डैम की जो स्पिल वे व्यू था, जो कि एज अ पब्लिक पिकनिक पॉइंट यूज़ होता था, वो बंद हो चुका है। और उसके बाद एक इस्लामाबाद में एक नया पार्क बना जिसको हम लेक व्यू पार्क के नाम से जानते हैं। इस पार्क को एज अ पिकनिक पॉइंट यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं और लेक का व्यू भी देखते हैं और बोट्स यूज़ करके स्पिल वे को देख सकते हैं, लेकिन बहुत दूर से। जबकि पुराने व्यू में स्पिल वे बहुत करीब था, वो जगह अब बंद हो चुकी है। यही वजह है कि हम आज लेक व्यू पार्क से डैम का विज़िट करेंगे। और इसके बाद, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे दोस्त कितना मुतमईन होकर मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों को शायद ये नहीं पता था कि मुझे रास्ता नहीं पता। तो जैसे ही इनको ये पता लगा, व्यूअर्स, अब हम ये इतना दूर निकल आए हैं और अब ये चवल बंदा कह रहा है कि मुझे रास्ता ही नहीं पता, और अब ये गूगल मैप्स पे जो है रास्ता नहीं पा, इतना जो है जलीलो ख्वार कराया इस बंदे ने। मार साले का खोपड़ी तोड़। और फिर हमने नेट यूज करके लेक व्यू पार्क का सही रास्ता निकाला, और फाइनली किसी तरह हम लेक व्यू पार्क पहुंच गए। फाइनली हम डैम आ चुके हैं। डैम का एक वो हिस्सा है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, और उस जगह को बहुत कम लोग जानते हैं। लेक व्यू पार्क का विज़िट करने के बाद हम उस तरफ जाएंगे। हाँ व्यूवर, डैम पे पहुंच गए हैं, और रास्ता बीच में थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन डैम पे पहुंच गए। और जैसे कि मैंने अंदाज़ा लगाया था, डैम फुल भरा हुआ है, बारिशें बहुत हुई हैं, तो तकरीबन महीना बारिशें रही हैं और डैम भरा हुआ है, और बहुत मज़े का व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really... हाँ जी व्यूअर्स, आपके साथ व्यू शेयर किए हैं डैम पे आने के बाद। इसके आगे जो व्यू मैं आपको दिखाने लगूँ वो जगह है जहाँ स्पिलवे तक जाने की कोशिश थी लेकिन नहीं जा सके कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं जहाँ तक जा सकता हूँ वो व्यूज़ आपको शेयर करूँ। एक आपके लिए अच्छी खबर ये है कि मैं इंशाल्लाह इस वीक के अंदर कोशिश करूँगा कि मैं तरबेला डैम का विज़िट करूँ। वहाँ से हमें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ स्पिलवे जो हैं वो भर गए, खोल दिए गए, मतलब डैम वो बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। और हमें पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है और दुनिया में एक नाम है उस डैम का, तरबेला डैम। तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जाऊँ और इन डेप्थ विज़िट करके आपके साथ शेयर करूँ। और इसके अलावा इंशाल्लाह 14 अगस्त आ रही है तो उस पर आपके लिए एक अच्छा व्लॉग होगा, एक अच्छा सरप्राइज़ होगा, तो देखते रहिए। और तो ये इतना ही, ठीक है, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। और आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू। ये वो जगह है जो कि लेक व्यू पार्क से थोड़ा हट के, और बहुत कम लोग इस जगह को जानते हैं। यहाँ पे बेसिकली ज़्यादातर फिशरमैन आते हैं और बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है। और यहाँ से स्पिल वे को भी बहुत करीब से देखा जा सकता है।